हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कल एक्चुअली सोने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, बिकॉज मुझे वीडियो एडिट करके अपलोड करना था, तो मैं आज बहुत ज़्यादा ही लेट उठा हूँ। तो यार, हम लोग फिर से लॉकडाउन में, तो ये लेट उठना, जल्दी उठना, लेट सोना सब चालू ही रहेगा। तो यार, ये बियर्ड का कंडीशन थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब लग रहा है मेरे को अभी, इसको बियर्ड को ट्रिम करना पड़ेगा। तो ये ट्रिमर मैंने चार्ज कर लिया है, अब भी हम इसे सारा कुछ उड़ा देंगे एंड देन विल फ्रेशन अप और हम आपको फिर मिलेंगे। और हम ना धो के आ चुके हैं और कुछ ऐसा लग रहा है अभी, अरे यार ये बाहर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रोज का आवाज़ से परेशान हो गया हूँ मैं। अभी एक नई चीज़ पता चली है कि ग्रोसरी शॉपिंग सुबह 7 से 11 बजे के बीच में ही करना होगा, उसके बाद सारा शॉप्स वगैरह क्लोज हो जाएगा। तो ये थोड़ा चीज़ मुझे समझा नहीं, क्योंकि अगर इसकी वजह से तो एक ही टाइम पर सारा क्राउड आएगा, प्लस आधे लोग तो जा भी नहीं पाएंगे बिकॉज सबकी ऑनलाइन क्लास, एग्ज़ाम्स, मीटिंग्स, ये वो सब चीज़ लाइंड अप होती है सुबह में। क्योंकि लोग तो बहुत ज़्यादा लेट होते हैं, क्योंकि लेट नाइट काम करते हैं, तो ये थोड़ा समझ में नहीं आया। इसकी वजह से होर्डिंग्स वगैरह वैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है, बट द गवर्नमेंट हैज़ टेकन दिस स्टेप एंड दे मस्ट बी नोइंग बेटर देन अस। अभी इसमें एक सीन क्या हो गया, मैं आपको एक मेरे फ्रेंड की स्टोरी सुनाता हूँ। वो आज गए थे अपना कुछ डॉक्टर के साथ काम कराना है, तो वहाँ पे उनको लेट हो गया और उनको ग्रोसरीज भी खरीदना था। दे लेफ्ट एट 9 in the morning। अब डॉक्टर ही 9:30 आते हैं, तो 9:30 से उनको 10:30 डॉक्टर के पास ही हो गए। वहाँ से ग्रोसरी शॉपिंग करते करते 11 बजे, और वो अपना आधा आधा सामान भी नहीं ले पाए। एंड स्पेशली उसने छुट्टी लिया था क्योंकि ये सारा कुछ काम था, तो उसने अपने ऑफिस से एक दिन का ऑफ लेके ये सारी चीज़ की थी। उसका एक दिन का सैलरी तो कटेगा ही फर्स्टली, एंड उसके ऊपर से उसका काम भी कम्प्लीट नहीं हुआ। सो आई फील ये थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इससे मुझे ना 2020 का लॉकडाउन याद आता है, जब हम लोग घर में बैठे हुए थे घर के सारे लोग, एंड आई रिमेंबर दैट इनकम सोर्स, एक ही छोटी सी इनकम सोर्स बची थी विच वॉज नॉट इनफ फॉर अस, बट हम लोग कैसे तो करके उसमें हमारा खाना, हमारे बिल्स वगैरह मेंटेन कर रहे थे। एंड उसमें उसके बाद तो मल्टीपल इशूज़ हो गए, मैं आपको बता भी नहीं सकते कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ गई। अब हम लोग थोड़ा सा स्टेबल हुए वापस इस पॉइंट पे आके, बट देन नीचे से ये लॉकडाउन वगैरह फिर से चालू होगा, ये सारी प्रॉब्लम फिर से आ सकती है। तो फिर आई एम रियली होपिंग दैट द गवर्नमेंट डजंट पुट एवरीवन अंडर लॉकडाउन अगेन, बहुत ज़्यादा इशूज़ हो जाएंगे। और मैं वो 11 AM के रूल के बारे में इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि आज मैं उठा हूँ 1 बजे। सो सुबह मेरा ऑनलाइन क्लास था जो मैंने अटेंड किया, ओके वो तो मैंने 1.5 घंटा अटेंड कर लिया, बट देन उसके बाद मैं इसी लेटने चला गया एंड देन आई स्लेप्ट। लाइक मैं कॉफ़ी सुबह पिया था एंड आई स्लेप्ट आफ्टर दैट ऑल्सो। और अगर मैं अकेला रह रहा होता या कुछ होता तो आई कैन इमेजिन, अगर समझो मेरे घर पे दूध ख़त्म हो गया होता या कुछ था, तो मैं तो वो भी जाके नहीं ला पाता था। डिलीवर कर रहे हैं ऑफकोर्स, बट देन डिपेंड ना भी अवेलेबल है नहीं है, कितना कुछ तो अभी मिल भी नहीं रहा है। और कोई तो महान व्यक्ति क्या कहते हैं कि सुबह में बादाम खाने से आपका दिमाग तेज़ होता है, तो चल रहा खा रहे, देखते होता है नहीं होता है। वैसे अभी लंच टाइम हो रहा है, जाते हैं लंच करते हैं। One eternity later. तो आज हम लोग के घर पे स्पेशली ये बन रहा है, वो है सेव पूरी। तो बेसिकली मेरे को चाट बहुत ज़्यादा पसंद है, बट देन अब ऐसा सीन है कि बाहर तो कुछ चालू है नहीं, तो जितना कुछ है सारा कुछ घर पे बना के खा रहे हैं हम लोग। अभी मेरे को इसमें डालने का है मीठा चटनी, तो मैं जिसको ये ख़त्म करता फिर आपको उसके बाद मिलता हूँ। अपना नाश्ता हो गया तैयार और ये रहा सेव पूरी, ये खुद तुम्हारे भाई ने बनाया। सो आज ट्राई करने के लिए मेरा भाई नहीं है यहाँ पे, बट देन मैं ही ट्राई करके बता देता हूँ कैसा लग रहा है। बहुत तीखा है, बहुत ज़्यादा तीखा है, और ठंड और मीठा चटनी डाल के आता हूँ। अभी हम लोग जाएंगे नीचे, मेरे को एक्चुअली ये जो सारे प्रोडक्ट्स आए इनका फ़ोटोज़ लेना है, तो वो करेंगे। टाइगर को थोड़ा बाहर निकल के उसे फ़ोटो लेंगे, एंड आज फर्स्ट टाइम मैं अपना 50mm लेंस यूज़ करूँगा। जब से इसे ठीक करा तब से एक बार भी यूज़ करने का मौका नहीं मिला था, तो आज इसका बारी है, तो इसे यूज़ करेंगे। पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ से तो पता चल रहा होगा आज हमने किसको बाहर निकाला है। सो अभी आज बहुत दिनों बाद मेरे को साहिल मिले और हम लोग अभी नीचे आ गए थे थोड़ा टाइगर के साथ फ़ोटो लेने, थोड़ा वॉकिंग वगैरह करने के लिए। और साहिल क्या बोलते हैं, लॉकडाउन कैसा चल रहा है? अरे बस चल रहा है, अभी क्या घर पे बैठना है, फॉलो द रूल्स, रूल्स फॉलो करो, घर पे रहो। और हमारे यहाँ से थोड़ा सा सनसेट दिखता है अभी, कैसा यहाँ पे सारा काम चल रहा है तो टेरेस वगैरह भी बंद है, तो फिर बस नीचे ही वॉकिंग कर लेते शाम को थोड़ा टाइम। चले ओके, कहाँ जाना है? हम चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई, लॉकडाउन है भाई, चले मतलब बिल्डिंग के अंदर वॉकिंग करेंगे। कहाँ जा रहा है
बिल्डिंग के अंदर वॉक कर रहे हैं हम लोग। गुड बॉय, गुड बॉय मेहुल, कीपिंग योर बाइक्स क्लीन, बट दिस डजंट लुक मच क्लीन, बट दैट्स ओके। अभी इसको यूज करके करूंगा ना क्लीन, रुकना पहले डर्ट तो हम उड़ा दे। अभी इधर मैजिक देगा, ऐसे स्प्रे करो। These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down. तो आज का दिन खत्म हो गया, सारा कुछ डिनर वगैरह सब कुछ हो गया है। अभी हम बैठे कर रहे हैं हमारा नेविगेशन क्लास का होमवर्क। सो बेसिकली VDF के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैं। जो लोग एविएशन में है उनको पता होगा कि VDF क्या होता है, तो बस उसी के क्वेश्चंस है ये सॉल्व करूंगा, फिर आपसे मिलता हूं वापस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे इज द सेकेंड डे एंड वी आर कंटिन्यूइंग द व्लॉग। अभी जैसे आप देख रहे हो मेरा जस्ट क्लास खत्म हुआ है एंड वी विल स्टार्ट विद द अदर थिंग्स फॉर टुडे। सो देखते दिन कैसे जाता है, एंड माई कॉफ़ी इज ऑल्सो रेडी। सो द फर्स्ट थिंग आई डू आफ्टर आई वेक अप इज गेट माई कॉफ़ी, बिकॉज अभी आदत लग गई है तो फिर कॉफ़ी के बिना तो नींद भी नहीं खुलती है। Yeah, that is. And चलो let's start the day. I usually have my breakfast after the class, और आज breakfast में देखो इडली सांभर बना है तो वो खाएंगे। And while I'm having my breakfast मैं videos देखते रहता हूँ। So most of the content I watch on YouTube is basically motorcycles, racing and you know ride का videos and all of those things. बाकी मेरे को देखने में तो मज़ा नहीं आता है, थोड़े बहुत लोगों की मैं vlogs भी देख लेता हूँ which I enjoy a lot. But then that's it, that's what I watch on YouTube most of the times. कुछ नहीं तो फिर बस वो हारमिन कभी कभी यहाँ रहते तो गाने लगा देते। फिर से हम नहा धो के तैयार हो गए, हम लोग नीचे जा रहे हैं एक और रील बनाने के लिए मेरे इंस्टाग्राम के लिए। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, अगर आपको ऐसी रील्स देखने हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ मैं ऐसा कुछ डालते रहता हूँ बार बार। एंड तो चलते हैं, साहिल इज़ वेटिंग ऑलरेडी फॉर मी नीचे। अभी हम नहा धो के तैयार हो गए, कहीं बाहर जा नहीं रहे, नीचे जा रहे हैं सिर्फ। एक छोटा सा रील का आइडिया है तो सोचा वो फटाफट बना लेते हैं। हाय हाय हाय, बहुत ज़्यादा धूप है यार आज नीचे। सो अभी जैसे लंच टाइम हो गया, क्या लाया साहिल? मोमोज। ओहो, कौन से है? ये कौन सा है? ये अफगानी है, कुरकुरे है, वो तंदूरी है और वो फ्राइज है। मतलब आज लंच टेबल पे तो दावत लग गई हमारी, तो चलो अभी लंच करते हैं। भाई ये भी खाना है, ये देखो ये, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गोभी की भाजी, नहीं फ्लावर है, फ्लावर, फ्लावर का भाजी है। ये भी खाने का, वो भी खत्म करना पड़ेगा अपने को। हाँ मेरे घर पे भी है, उधर भी आ रहा उधर भी आ रहा हाथ में। मैंने ना अभी एक पीस खाया और मेरे को आपसे शेयर करना रहा नहीं गया। दिस मोमोज आर सो सो गुड। कहाँ से लाया? अंधेरी ईस्ट दुकान को, सेवन सीज मोमोज। तो ये सेवन सीज मोमोज से लाए, इसको एक्चुअली सौरभ ने ये सजेस्ट किया था, बट ट्रूली इट इज अमेजिंग। अभी हम लोग खाते हैं और बाइक खत्म करते हैं। बिग थम्स अप। तो अभी मैं रिक्शा में हूँ और वी आर गोइंग टू वेले पार्ले बुक सेंटर। एक अर्जेंटली दो तीन बुक्स लेना था मेरे को, गाड़ी वाड़ी तो निकाला नहीं बिकॉज आज लॉकडाउन का सिचुएशन है, तो हम लोग अभी ऑटो में जा रहे हैं। लेट्स होप दैट बुक स्टोर इज ओपन। पता नहीं, मैंने उनको बहुत बार फ़ोन किया बट दे आर नॉट पिकिंग अप माई कॉल्स, तो देखते हैं अभी क्या होता है। पार्ले बुक सेंटर अभी बंद था, अभी वे गोइंग बैक होम, और उसने बोला कि आप कल सुबह 11:30 बजे आइए मिल जाएगा, बट कल से तो टोटल लॉकडाउन बोला है, तो देखते क्या होता है, कैसे मिस है सारा बुक्स। तो आज मैं अपना फेवरेट काम नहीं कर पा रहा हूँ, जो है ये सोफे पे बैठ के अपने फेवरेट सीरियल एंजॉय करना, बिकॉज इसका आज क्लीनिंग हुआ है तो ये पूरा गीला है। इनफैक्ट ये सारे जो सीट्स हैं ये सारे अभी गीले हैं, तो एक दो दिन अभी हमें इस पे बैठने नहीं मिलेगा, अंदर रूम में ही बैठ रहना पड़ेगा चेयर पे, तो फिर चलता है करना पड़ता है। बट लॉकडाउन के बाद कराना चाहिए था यार, ये अभी करा के गलती कर दिया मैंने। इवन ये डाइनिंग टेबल का चेयर गीला है।
अभी खाना भी रात को शायद रूम में खाना पड़ेगा या तो फिर यहाँ पर नीचे बैठे खाएंगे, देखते हैं क्या होता है, जो भी है मैनेज कर लेंगे। एक फन फैक्ट बता, अपने एसीज में ना एक ड्राई मोड आता है, इसमें मॉनसून मोड है एलजी में, तो बेसिकली मैंने अभी उसको इस मोड पर चालू कर दिया है। ये करेगा क्या, ये सारा मॉइस्चर निकाल देगा जो इंडोर एयर में है। अब देखते हैं ये कितना इफेक्टिव है, मैं से फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, बेसिकली बारिश सीजन में यूज़ करने के लिए बनाया है। देखते होपफुली थोड़ा सा जल्दी सूखे, मुझे यहाँ बैठने का बहुत आदत है, लाइक मैं दिन कुछ नहीं कर रहा तो मैं यहीं पड़े रहता हूँ, मेरी फेवरेट जगह इस घर में। लेट्स सी कब तक होता है, तब तक के लिए। सो गाइस, आज का दिन जैसे ख़त्म होना है, अब ये वीडियो को यहीं एंड कर देता हूँ, और आई होप आपको ये घर का थोड़ा कंटेंट पसंद आ रहा हो, और मैं बार बार लॉकडाउन है ये सारी चीज़ के लिए रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी बाहर का सीन बहुत ही ज़्यादा सिवियर हो गया, एंड वी नीड टू रियली टेक केयर ऑफ ईच अदर एंड ऑल्सो फॉलो ऑल द रूल्स एट द सेम टाइम। सो आप प्लीज़ अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए, सब कुछ फॉलो कीजिए। ये ख़त्म होने के बाद हम डेफिनेटली एक बड़े से बड़े ट्रिप पर जाएंगे, एंड कौन सा महीना आ रहा है आप गेस तो कर सकते हो कि मुझे कहाँ जाने का एक्साइटमेंट हो रहा है। सो कमेंट करके बता आपको क्या लगता है। बाय बाय, सी यू द नेक्स्ट वन, स्टे सेफ।